परम पूज्यवर साहेब जी, अर्चनी वन्नी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरे लिए निर्देश हुआ है बस थोड़ी देर आप लोगों के बीच कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सद्गुरु कबीर ने कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे। सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति है, बीजा का एक विशाल ग्रंथ है, कबीर पंथ का मुख्य धरोहर और सद्गुरु कबीर की मुख्य वाणी जो बीजक में है। सद्गुरु कबीर जो भी बात कहे लोगों के बीच तक तो आई, लेकिन लोगों को समझ में सही ढंग से नहीं आया कुछ, क्योंकि सद्गुरु कबीर के वाणियों को, सत्य बातों को लोग छिपाने का प्रयास किया, इसलिए सही बातें जनसमाज में नहीं आने की वजह से लोग अपना अपना ढर्रा चलाना शुरू कर दिए। लेकिन मूल बीजक जिसमें सद्गुरु कबीर की वाणी पूरा भरा हुआ है, जब सद्गुरु कबीर के मूल बीजक पढ़ते हैं तो परंपरावादी कबीर पंथ है वो उखड़ के फेंका जाता है। सद्गुरु कबीर के मूल बीजक में कहीं महंती, गद्दी, पूजापा, पैसा, चौका, आरती, ये कहीं एक जगह अंश नहीं मिलता है, एक भी जगह नहीं मिलता है। सद्गुरु कबीर के मूल बीजक में एकदम साफ ज्ञान है, लांग लपेटी वाली बात ज्ञान नहीं है। आज हर मत पंथ और संप्रदाय आज बिजनेस बन चुका है, व्यापार। हमारे यहाँ से जुड़ो, हमारे गुरु परंपरा से जुड़ो, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा व्यापार चला जैसे मुक्ति कोई वस्तु है, कोई आदमी उठाए और बांटते चला जाए, बस इतना व्यापार बना, इतना व्यापार बना कि आज धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा घटती चली गई। आज धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा नहीं, कर्म कांड के प्रति निष्ठा है लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, क्योंकि धार्मिकों ने धर्म को इतना तोड़ मरोड़ करके रख दिया, धर्म करो, कर्म करो, मुक्ति मिलेगी, पूजा करो, पाठ करो, मुक्ति मिलेगी, दान करो, दक्षिणा करो, मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का कुछ अंश हो सकता है लेकिन न धर्म से मुक्ति मिलती है, न पूजा से, न पाठ से। जैसे हमारा धर्म है सहज रहना, हमारा धर्म है हम शाकाहारी बने, तो क्या शाकाहारी बनने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी? लेकिन लोगों ने कह दिया धर्म से आदमी को सुख शांति मिल सकती है, मुक्ति तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। मुक्ति के लिए न कोई धर्म, न कोई कर्म, न कोई पंथ, न कोई मजहब, न कोई संप्रदाय, न कुछ नहीं, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। न वहाँ कोई कबीर पंथ होगा, न वहाँ कोई गुरु होंगे, न कोई शिष्य होंगे, लेकिन बताने वाले यही गुरु परंपरा होंगे, ये बात तो निश्चित है। बिना गुरु के ये भी पता नहीं चलेगा कि हम मुक्ति के मार्ग पर कैसे चले, लेकिन मुक्ति के मार्ग के लिए कोई पंथ का लेबल की जरूरत नहीं होगी, एकदम ऊंची बात है और ऐसे लोगों में समझ में नहीं आएगी। मैं अपनी बात पर आऊँ, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, खखा चाहते हो, शांति चाहते हो, खा अक्षर के माध्यम से कह रहे हैं। ज्ञान चौतीसा में 34 अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर ने संदेश दिया है, उसके एक पंक्ति है, खखा चाहते हो, शांति चाहते हो, खोरी मनावे। खोरी का मतलब गली, गलियों को मना लो। सद्गुरु कबीर साहब इसलिए साफ पता चलता है यूपी वाराणसी के आसपास रहे, लेकिन गुजरात भी गए, ई ले ऊ व्यवहार ये गुजराती भाषा है, खोरी छत्तीसगढ़ी भाषा है,
जहाँ जैसे परिस्थिति मिली वैसे गए और सदगुरु कबीर साहब वैसे अपने वाणियों को आम सभा में जनसैलाब में कहे। सदगुरु कबीर की एक विशेषता रही है कि सदगुरु कबीर जहाँ जैसे देखते वैसे बोल पड़ते। सदगुरु कबीर को सबने स्वीकार किया, इसलिए बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, ये बड़े बड़े महापुरुषों को आम जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ये बड़े लोगों की भक्ति है, ये गरीब लोग इसकी भक्ति नहीं किए। गरीब लोगों ने सदगुरु कबीर को सबने स्वीकार किया, अमीर तबके के लोग भी और गरीब तबके के लोग भी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब एकदम सहज भाषा में कहे, खखा चाहते हो शांति, चाहते हो तो खोरी गली, खोरी इंद्रियों को मना लो। इंद्रियां कैसी है हमारे, हम अपने इंद्रियों को हम अपने हिसाब से नहीं चलाते हैं, बल्कि क्या होता है, इंद्रियां हमको अपने हिसाब से चलाती है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया है। हम अपने इंद्रियों को हम संचालित नहीं करते हैं, इंद्रियां हमको संचालित करती है। जिधर पैर बढ़ता है उधर हम बढ़ जाते हैं, जिधर जिभ्या जाती है उधर हम चले जाते हैं, जिधर आंखें जाती है उधर हम चले जाते हैं, जिधर मन कहता है उधर हम भटक जाते हैं, क्योंकि खोरी गली इंद्रियों को हमने मनाया नहीं है। इंद्रियों को जब हम मना लेंगे, इंद्रियों को जब अपने वश में करेंगे, तब क्या होगा, हम अपने इंद्रियों को अपने इशारे पर चलाएंगे। जिधर हम कहेंगे उधर हमारा हाथ बढ़ेगा, उधर हमारा पैर बढ़ेगा, उधर ही हमारी वाणी, वाणी की आवाज़ आएगी, वाणी ही निकलेगी, शब्द निकलेगी। जो देखना चाहेंगे वही देखेंगे, जो खाना चाहेंगे वही खाएंगे, जो करना चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन उल्टा हो गया, हम सब कुछ उल्टा करते चले गए, क्योंकि अपने अंकुश में नहीं है हमारी इंद्रियाँ, हम अपने इशारे पर नहीं चला रहे हैं, इंद्रियां हमको अपने इशारे पर चला रही है। जैसे कोई आदमी सरसों के दाने ले ले और एक पोटरी में बांधे और पोटरी का दाना खुल जाए कहीं रोड पर कहीं पर, तो पोटरी के दाने बिखर जाते हैं, फिर समेटना, सरसों के दाने बिखर जाते हैं फिर समेटना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही यदि हमने अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया और इंद्रियां हमारे अंकुश से निकल गया, उसको अब बटोरना, अब संयमित करना, अब संचालित करना, आप अपने हिसाब से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसको एक एक दाना को, एक एक राई के दाना को इकट्ठा करने में जितनी मेहनत है, उसके बाद भी वो राई के दाना छूट जाएंगे, वैसे ही हमारे जीवन में हो रहा है। हम अस्त व्यस्त जीवन को जिए, जीवन को तबाह किए, अब हमारे अंकुश में नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कटुता नहीं हो, पर भी कटुता निकल जाती है। हम नहीं चाहते हम इतना ना खाएं, पर भी हम उतना असंयमित होकर के खा लेते हैं। हम ना चाहते हुए भी, हम नहीं बोलना चाहते पर भी बोल लेते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमको संचालित कर रही है। अब सदगुरु कबीर कहते हैं, खखा शांति चाहते हो तो खोरी इंद्रियों को मना लो। एक पंक्ति जीवन की साधना हो जाती है। जब इंद्रियां सद जाती है तो मन सद जाता है, और मन सदती है, मूल केंद्र में मन है, लेकिन केंद्र में मन है। मन अच्छा रहेगा, मन विचलित नहीं होगा, तो इंद्रियां भी विचलित नहीं होगी, और मन से संचालित होता है। सदगुरु कबीर साहब एक इसलिए कहे हैं, जैसे कोई आदमी जड़ में पानी न डाल करके तने में पानी डाले तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो पेड़ सूख करके मर जाएगा। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक आदमी तने में पानी डालता है, जड़ में पानी नहीं डालता, तो वो पेड़ सूख करके बर्बाद हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर को सजाते हैं, परिवार को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, ये भी ज़रूरी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मन को संचालित करने की ज़रूरी है। मन को ऑपरेट करने की ज़रूरत है, और हम मन को नहीं संचालन कर पा रहे हैं तो सब भ्रष्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, इसलिए हम मन को संचालित करें। मन अच्छा रहेगा तो गलत नहीं सोचेंगे,
गलत नहीं सोचेंगे तो गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे हमारी इंद्रियां अपने वश में रहेगी, इंद्रियों को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, इंद्रियां हमको अपने हिसाब से नहीं चलाएगी। इसलिए हम सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति, सद्गुरु कबीर की वाणी कहीं से भी उठा लो, उसमें गागर में सागर की तरह है। और भी महापुरुष हुए हैं, लेकिन सद्गुरु कबीर ने कहीं अपना लेबल नहीं लगाया, धर्म और मजहब का लेबल नहीं लगाया, संप्रदाय का लेबल नहीं लगाया, पंथ का लेबल नहीं लगाया, कहीं गुरु का लेबल नहीं लगाया, एकदम निष्पक्ष बात कहते चले गए, जिसमें कोई चिपकाहट नहीं, कोई लिप्सापन नहीं, इतना साफ ज्ञान कहने वाला कबीर साहब। उसके बाद भी कबीरपंथियों ने कबीर पंथ को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। सद्गुरु कबीर की पंक्ति मैंने कहा, खक्खा चाहे खोरी मनावे, यदि शांति चाहते हो तो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लो, यही एक शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता है, और यही रास्ता में चलते चलते हमको मुक्ति की रास्ता भी मिल जाएगी। जब इंद्रियां अपने वश में होगी और मन अपने वश में होगा, धीरे 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 मन और इंद्रियों को सही दिशा में लगाते जाएंगे और विचलित नहीं होगा तो अच्छा चिंतन होगा, अच्छा चिंतन नहीं होगा तो हमारा मन अंदर अंतर्मुख होगा, आत्मा की तरफ होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, और आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही मुक्ति के पथ पर प्रशस्त हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।